हाँ दोस्तों, होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को जर्नी ऑफ एफवाईजेसी, कॉमर्स इन मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स इसके बारे में बताया था कि आपको पूरे 2 साल के एकेडमिक ईयर में 11th के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने इंपॉर्टेंट है, जो 12th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में बच्चों कि एफवाईजेसी, एसवाईजेसी और सीए फाउंडेशन ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लास्ट टाइम हमने आपको सारे टॉपिक्स 11th के बताए हैं, 12th के बताए हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा आप इस वीडियो को जरूर देखें बच्चों। इससे आपको पूरे एकेडमिक ईयर का प्लानिंग और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आइडिया आ जाएगा। बच्चों, अधूरा ज्ञान अभिशाप है, इसके लिए आप कभी भी वीडियो आधा देखकर बंद मत करिए। जिस प्रकार आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं और उसमें कोई सम छोड़ देते हैं और बाद में एग्जाम में वही सम आता है और आपको काफी दुख होता है कि हमने ये सम क्यों नहीं पढ़ा, उसी प्रकार ये वीडियो देखना बच्चों पूरा बहुत जरूरी है। आप जरूर इसे देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। नौ बच्चों, अब आते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो आप अपने राइटिंग पैड लेके, राइटिंग मटेरियल्स लेके रेडी हो जाइए बच्चों, बी रेडी। ओके बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, आपने बहुत टाइप्स के नंबर स्कूल में पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड तक। जैसे आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, बहुत सारे। बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन सभी नंबर से बड़ा है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेट 6 मार्क इसका वेटेज है बच्चों। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में से बच्चों 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और 4 मार्क्स के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव मींस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेट 6 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक है। इट डिपेंड्स ऑन टीचर कि वो कितने मार्क्स के लिए चैप्टर को पूछता है। हर कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के लिए ये चैप्टर पूछा जा सकता है। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट बच्चों, किसी भी चैप्टर के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप 2 वीडियो आ जाए तब आप स्टार्ट करो देखना। आप पहला वीडियो देखिए, उसमें आपके सर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए और उसके बाद सम्स की प्रैक्टिस घर पे करें। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब सेकंड वीडियो देखोगे बच्चों तो फर्स्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपका सेकंड वीडियो बहुत ही स्मूथ और कंसिस्टेंट जाएगा, बहुत इजी फील होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज लेकर आ रहा हूं बच्चों, ये पूरा 7 to 8 पार्ट्स में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। आप एक एक करके सारे वीडियोस को देखते जाइए और आप इस वीडियो में से आप अपना पर्सनल नोट्स बनाइए जो आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों। चलो लेट्स बिगिन। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर्स के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे टाइप्स के नंबर पढ़े हैं स्कूल में। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। सिमिलरली होल नंबर आपने पढ़ा है, व्हाट इज होल नंबर? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आप लोगों ने इंटीजर्स भी पढ़ा है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, व्हाट इज इंटीजर्स? 0, 1, 2 पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड 0 इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। नाउ नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। इसी प्रकार आपने रैशनल नंबर पढ़ा है बच्चों, व्हाट इज रैशनल नंबर? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेर क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार आपने इरेशनल नंबर पढ़ा है। फिर आपने बच्चों पढ़ा है रियल नंबर। जरा पॉज करिए वीडियो और सोचिए व्हाट इज रियल नंबर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें। ओके बच्चों, लेट अस सी द कंसेप्ट इज रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर?
मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रियल नंबर है कि नहीं। व्हाट इज रियल नंबर? अगर कोई नंबर को हम रियल नंबर तब बोलेंगे, सपोज एक्स इज अ रियल नंबर, मान लो कि एक्स कोई एक रियल नंबर है, तो उस नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, सपोज एक्स अगर रियल नंबर है तो एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेट अस सी, एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, टू, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ टू? चेक करिए, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, सो फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वी से दैट कि टू इज अ रियल नंबर। वापस रिपीट कर रहा हूं, रियल नंबर किसे कहेंगे? अगर नंबर, जो भी नंबर है, इसका स्क्वायर करें और वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया तो हम उसे रियल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइनस टू, क्या ये रियल नंबर है? तो चेक करें, माइनस टू का स्क्वायर होता है बच्चों फोर, और फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर माइनस टू इज ऑल्सो अ रियल नंबर। बच्चों अंडर रूट टू, क्या ये रियल नंबर है? तो अंडर रूट टू का स्क्वायर करें, अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा? टू, और टू वापस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया तो हम बोलेंगे यस अंडर रूट टू इज ऑल्सो अ रियल नंबर। अंडर रूट माइनस टू, क्या अंडर रूट माइनस टू रियल नंबर है? पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, मैं देख सकता हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अंडर रूट माइनस टू रियल नंबर नहीं है, लेकिन क्यों ये रियल नंबर नहीं है? लेट अस सी, अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा? माइनस टू होगा। वेरी गुड बच्चों, माइनस टू होगा, और ये माइनस टू निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर का मतलब ये नंबर जीरो से छोटा है, जबकि रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर का डेफिनेशन है कि नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यहाँ पे अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू आया, जो कि जीरो से छोटा है, देयरफॉर अंडर रूट माइनस टू इज नॉट अ रियल नंबर, इज नॉट अ रियल नंबर। बच्चों सोचने वाली बात है, आपने स्कूल में नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल एंड फाइनली रियल नंबर, यहां तक आप पढ़े। आज हमें एक बात ये पता चली कि ये नंबर रियल नंबर नहीं है। अगर अंडर रूट माइनस टू रियल नंबर नहीं है तो ये सोचने की बात है कि ये कौन सा नंबर है। चलो आज इस सस्पेंस को हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, लेट अस सी। तो बच्चों आप देख सकते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूलर। यूलर नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज को सबसे पहले क्रैक किया और पूरे वर्ल्ड को बताया कि अंडर रूट माइनस टू कौन सा नंबर है। तो बच्चों आप ये इमेज देख सकते हैं और इन्हें नमस्कार करिए कि इनकी वजह से आज हमें पता चलेगा कि अंडर रूट माइनस टू कौन सा नंबर है। अंडर रूट माइनस टू, बच्चों अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर, अभी अभी हमने क्या देखा, अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू आया, जो कि जीरो से छोटा है। बच्चों ऊपर पढ़िए, एक स्टेटमेंट क्या लिखा है, अ नंबर दैट गिव्स अ निगेटिव वैल्यू, अ नंबर दैट गिव्स निगेटिव वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव वैल्यू, ये है निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू व्हेन स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो वो नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो बच्चों आपने ये देखा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे निगेटिव आया, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आया तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता, वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। ये बात हमें सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड लेट यूलर जी ने बताई, ग्रेट मैथमेटिशियन। अच्छा, उन्होंने अभी क्या बताया, अंडर रूट माइनस टू को उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया? बच्चों यहाँ पे देखिए, अंडर रूट माइनस टू, कैन आई राइट अंडर रूट माइनस टू को अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन? कैन आई राइट दिस इज अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट माइनस वन? और यूलर जी ने इस अंडर रूट माइनस वन को एक ग्रीक लेटर सिंबल आई से डिनोट किया। पढ़िए यहाँ पे, सिंबल आई,
और आई को डिनोट किया गया अंडर रूट माइनस वन या अंडर रूट माइनस वन को आई से डिनोट किया गया, तो फाइनली हमें वैल्यू मिली अंडर रूट टू आई। व्हाट इज आई? आई को बोला जाता है बच्चों आयोटा। आयोटा इज द ग्रीक लेटर सिंबल। आयोटा इज द ग्रीक लेटर सिंबल। बच्चों सिंबल आई, जब आई लिखा रहेगा तो उसे इमेजिनरी यूनिट बोला जाता है। केवल आई लिखा है तो उसे इमेजिनरी यूनिट बोला जाता है, और अगर आई के आगे कोई नंबर है तो उसे बोला जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्यों आई को इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं? क्योंकि आई का कोएफिशिएंट वन है और वन को बोला जाता है यूनिट, इसके लिए हम आई को बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट, और अंडर रूट टू आई को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। होप दैट आपको बात समझ में आई होगी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आई को हम बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट क्योंकि उसका कोएफिशिएंट वन है, बट अंडर रूट टू आई को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ये जो हमारे यूलर हैं स्विस कंट्रीज से हैं बच्चों, और इनका बॉर्न 1707 में और डेथ 1783 में हुआ था, ये इनका कार्यकाल था। बच्चों आई के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आई? अगर आई में हम आई मीन्स आयोटा, आई में हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। अगर बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ रियल नंबर देन अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर इज अंडर रूट आई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसको समझते हैं हम लोग एग्जांपल से। सपोज बच्चों एक नंबर लेते हैं अंडर रूट माइनस फोर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट फोर इंटू माइनस वन, इसे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट फोर अंडर रूट माइनस वन। व्हाट इज अंडर रूट फोर बच्चों? प्लस माइनस टू, स्क्वायर रूट ना, फोर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस टू। एंड व्हाट इज अंडर रूट माइनस वन? आई। तो फाइनली बच्चों हमने क्या डिस्क्राइब किया? हमने डिस्क्राइब किया कि अंडर रूट माइनस फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस टू आई। यही बात यहाँ पे बताया गया है, अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर को प्लस माइनस आई ए लिखते हैं। सो अंडर रूट माइनस फोर इज नथिंग बट अंडर रूट माइनस टू स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस टू स्क्वायर इज प्लस माइनस टू आई। ओके बच्चों, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, ए आई इक्वल टू बी आई। दैट मीन्स अगर आई का कोएफिशिएंट ए है और आई का कोएफिशिएंट बी है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल एक्स आई इज इक्वल टू टू आई। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू टू। ये आई आई दोनों साइड से कंपेयर करके रिमूव हो जाता है। जब हम एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर करते हैं तो आई आई रिमूव हो गया, एक्स इक्वल टू टू, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फाइनली व्हाट इज इमेजिनरी नंबर बच्चों? रिवाइज कर लेते हैं, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ के आई, के इज अ रियल नंबर, के नॉट इक्वल टू जीरो एंड आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड अ इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3i, is it a imaginary number? Yes sir, it is imaginary number. For example 2i, yes it is also imaginary number. Why it is imaginary number? Because it is in the form of ki. 0i, is it a imaginary number? No, it is not a imaginary number. Why? Hamara definition kehta hai k not equal to zero. तो जीरो आए, what is zero आए? जीरो में आए का मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा, और जीरो इज अ रियल नंबर, जीरो इज अ रियल नंबर, therefore हम लोग इसको इमेजिनरी नंबर नहीं बोलते हैं बच्चों। अंडर रूट सेवन आए, इज इट अ इमेजिनरी नंबर? यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ के आई, सो इट इज ऑल्सो इमेजिनरी नंबर। सो बच्चों एक बार हम लोग अभी तक जितना बताए उसे रिवाइज कर लेते हैं। इमेजिनरी यूनिट अ नंबर, इमेजिनरी यूनिट
आई आई को बोला जाता है बच्चों इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट को आई बोलते हैं, और आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा इज जस्ट अ सिंबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? वैल्यू ऑफ आई इज अंडर रूट माइनस वन। वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू होती है बच्चों अंडर रूट माइनस वन। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे बच्चों तो आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। होप दैट आपको इमेजिनरी नंबर समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहा जाता है? सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई फॉर्म, ए प्लस बी आई। कॉम्प्लेक्स नंबर आर नंबर दैट मे कंटेन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो एक नया नंबर का जन्म होता है जिसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बच्चों, लेट अस सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक आपके लिए खूबसूरत डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लाया हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई, जिसमें ए को बोला जाता है रियल नंबर पार्ट और बी आई को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर पार्ट। दिस इज रियल नंबर पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर पार्ट। बच्चों अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर बी जीरो हो गया, अगर बी जीरो हो गया बच्चों तो ये केवल हो जाएगा देखो ए प्लस बी आई। अगर बच्चों बी जीरो ले लो, क्या ले लो? बी को जीरो, तो आपका हो जाएगा ए प्लस जीरो आई और यह आ जाएगा ए और ए हो जाएगा रियल नंबर। तो अगर बी जीरो हुआ तो ए प्लस बी आई रियल नंबर कहलाएगा, और अगर बी जीरो नहीं हुआ तब ए प्लस बी आई, समझो बी जीरो नहीं है तो ए प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। बच्चों इसमें एक और पार्ट आता है, सपोज ए जीरो हो गया, सपोज ए जीरो हो गया तो ए प्लस बी आई, अगर ए जीरो हो गया तो वी गेट जीरो प्लस बी आई और जीरो प्लस बी आई हो जाएगा बी आई और ये बी आई कहलाएगा प्योर इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाएगा बच्चों? प्योर इमेजिनरी नंबर। तो हमने फाइनली क्या देखा? हमने देखा बच्चों क्या देखा? हमने देखा कि ए प्लस बी आई, इसके ऊपर से हमने आपको तीन बातें बताई। पॉइंट नंबर वन, इफ ए इज जीरो तो हमें आंसर आ जाएगा बी आई और ये हो जाएगा प्योर इमेजिनरी नंबर। सेकंड पार्ट, अगर बी जीरो हो गया बच्चों तो आपका आंसर आएगा ए और ये हो जाएगा प्योर रियल नंबर। तीसरा पार्ट हमने देखा, अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है और ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपको जो नंबर मिलेगा वो हो जाएगा ए प्लस बी आई जो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बच्चों, ना आफ्टर दिस आप देख सकते हैं ए को रियल पार्ट बोला जाता है बच्चों, और रियल पार्ट को हम सिंबॉलिकली आर ई ऑफ जेड बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी आई डिनोटेड बाय जेड, वेयर जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय अ लेटर जेड। सपोज ए प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ए प्लस बी आई डिनोटेड बाय जेड। इसमें दो पार्ट है बच्चों, ए को बोला जाता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है आर ई ब्रैकेट में जेड। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड? वी राइट ए इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड बाय आई एन ब्रैकेट में जेड। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट हियर? तो इमेजिनरी पार्ट इज बी। लेट अस टेक सम एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। आपको इसे ए प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बच्चों आपको रियल पार्ट ऑफ जेड फाइंड करना है, और बच्चों आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड फाइंड करना है। बच्चों आप रेडी हो जाइए और फटाफट हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। टू प्लस फोर आई, ये ऑलरेडी ए प्लस बी आई के फॉर्म में है। व्हाट इज द रियल पार्ट हियर? तो ध्यान से देखिए वापस, ए को बोला जाता है रियल पार्ट और जिसमें आई होगा उसको इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई होगा उसको इमेजिनरी पार्ट।
पुट द रियल पार्ट ऑफ जेड हियर टू, वेरी गुड। और आई किस में है? फोर आई, तो फोर आई हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव आई, तो कैन आई राइट फाइव आई को जीरो प्लस फाइव आई? यस, टूट द रियल पार्ट, रियल पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट फाइव आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री माइनस फोर आई, ये बच्चों थ्री प्लस ब्रैकेट में माइनस फोर आई, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी आई, प्लस माइनस माइनस होता है ना, देखो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। व्हाट इज द रियल पार्ट? थ्री। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? माइनस फोर आई। नेक्स्ट, फाइव प्लस अंडर रूट माइनस सिक्सटीन, फाइव प्लस अंडर रूट माइनस सिक्सटीन, तो अंडर रूट माइनस सिक्सटीन को आप सॉल्व करोगे तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या होगा? सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर, और अंडर रूट माइनस वन बचेगा जिसे हम आई लिखेंगे। सी हियर, फाइव प्लस अंडर रूट माइनस सिक्सटीन, तो फाइव प्लस फोर अंडर रूट माइनस वन बच जाएगा, इट इज फाइव प्लस फोर आई। व्हाट इज द रियल पार्ट? रियल पार्ट इज फाइव, इमेजिनरी पार्ट इज फोर आई। बच्चों ये दो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करिए और आप कमेंट में जरूर डालिए आंसर। अगर कुछ डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे जरूर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार ऐड किया जाता है, किस प्रकार सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे डिवाइड किया जाता है, यह आने वाले वीडियो में देखेंगे। बच्चों मैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके लिए पार्ट्स में छह सात वीडियो बनाऊंगा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर काफी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में आए हुए सम्स कर पाएंगे। इसी के साथ बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, आप रेडी रहिए और इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए और अपना पर्सनल नोट्स बनाइए। थैंक यू दोस्तों।